see blood through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love that. तो गाइज ये आ चुका है वर्क नए वीडियो के साथ वापस। तो गाइज आज जो पबजी मोबाइल के अंदर 0.19 का अपडेट आ चुका है, तो जिनके भी पास ये अपडेट अभी तक नहीं आया है तो आप लोग क्या करना, एक बार जाकर चेक कर लेना गूगल प्ले स्टोर के अंदर, हो सकता है कि वहाँ पर शो हो जाए तो आप लोग वहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। तो आप लोगों को बता दो कि ये जो 0.19 का अपडेट आया है वो कितने MB का अपडेट आया है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सो, ये जो अपडेट आया है वो 0.99 का अपडेट आया है, यानी कि 1 GB के आसपास अपडेट आ गया है। तो गाइस अगर आपके गूगल प्ले स्टोर पे अपडेट शो हो जाता है तो गाइस आप लोग जब वहाँ से अपडेट कर लेना, कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ मत करना। अगर अभी तक अपडेट शो नहीं होता तो आप लोग कुछ टाइम तक वेट कर लेना, कुछ देर बाद आपके पास शो हो जाएगा, तो आप लोग जब वहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सो 0.93 GB का अपडेट आया है, यानी कि 1 GB के आसपास। तो जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लोगे उसके बाद आपका जो इन गेम है वहाँ पर एक छोटा सा अपडेट आ जाएगा जो कि 13 MB के आसपास। तो 13 MB के आसपास अपडेट आने के बाद उसको अपडेट कर लोगे आपका जो गेम है वो कट हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस से ऑन करना होगा। तो गाइज आप लोग देख सो बहुत सारे नए नए फीचर आया है पबजी मोबाइल के अंदर 19 के साथ, यानी कि 0.19 के अपडेट के साथ। तो वो सब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि अनरैंक्ड क्लासिक वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अनरैंक्ड क्लासिक पे खेलते हो तो वहाँ पर जो आपका TR है वो ना तो माइनस होगा ना तो प्लस होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर खेलते हो तो आपको एक चीज़ फ़ायदा होगा जो कि गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अगर आप अनरैंक्ड क्लासिक पे खेलते हो तो यहाँ पर जो अनरैंक्ड क्लासिक का जो एक फीचर है वो 7 दिन पहले ही आ जाएगा जब सीज़न ख़त्म होगा। तो गाइस आप लोग देख सो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट सीज़न आऊँगा वो प्लेटिनम 4 पे मेरा जो टायर रिसेट होकर आएगा। अगर सीज़न एंड होने से 7 दिन पहले से अगर मैं जो कि अनरैंक्ड क्लासिक को खेलने लगूंगा और खेलकर अगर मैं इन सारे मिशन को कंप्लीट कर लूँगा, जैसे कि 30 मिनट तक सर्वाइव करना, टॉप 50 के अंदर आना होगा, तो उसके बाद गाइज जो भी यहाँ पर मिशन आप लोग देख सो, अगर मैं इन मिशन को कंप्लीट कर लूँगा, कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। तो अगर मैं इन पॉइंट को भी कलेक्ट कर लूँगा, वैसे आपको मिशन कंप्लीट होने के बाद आपको पॉइंट को कलेक्ट करना होगा। तो अगर आप मिशन को कंप्लीट कर ले तो यहाँ पर पॉइंट को भी कलेक्ट कर ले तो अगर आपके पास 100 पॉइंट हो जाता है तो आपका जो नेक्स्ट सीजन TR रिसेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सो मेरा जो मैं प्लेटिनम 4 पर आऊँगा नेक्स्ट सीजन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 100 पॉइंट को कलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं जो 1 TR आगे चला जाऊँगा, यानी कि प्लेटिनम 3 पर चला जाऊँगा। तो ये जो फीचर वो सीज़न एंड होने से 7 दिन पहले से ही आ जाएगा। तो आप लोग जो ऐसे करके आपका जो 1 TR वो आगे ले जा सकते हो। तो गाइज मुझे जो ये फीचर बहुत ही बढ़िया लगा, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। तो आपको जो डेली कुछ कुछ यहाँ पर छोटे छोटे मिशन दिए जाएंगे, अगर आप इन सारे मिशन को कंप्लीट कर ले तो कंप्लीट करने के बाद आपको जो 100 पॉइंट को कलेक्ट करना होगा। तो कलेक्ट करने के बाद आप जो 1 TR आगे चले जाओगे। तो ऐसे काम करते हैं अनरैंक्ड क्लासिक। तो गाइस सीज़न एंड होने से 7 दिन पहले से अगर आप इन मिशन को कंप्लीट कर ले तो आप जो 1 TR आगे चले जाओगे, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और गाइज यहाँ पर आप लोग देख सो आज सुबह ही जो है अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद से मैंने अभी तक मैप को भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो गाइज दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या 0.19.0 के अपडेट के साथ आया है। तो यही था छोटा सा वीडियो, तो होप सभी लोगों को आज का वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको भी इसके बारे में नहीं पता उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।